जैसा कि मैं कल बताया था पहले क्लास में कि रनिंग के लिए या जंपिंग इवेंट के लिए या थ्रोइंग के लिए आपको पांच चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें चार प्रमुख है। वो चार चीज कौन है? थाई में ताकत, बांह में ताकत, पेट में ताकत और सीने के। ये चार मस्ट होते हैं। इसके लिए मैं बताया था कल पहले क्लास में कि आप हाथ का पावर कैसे बढ़ाएंगे और पैर जांघों का ताकत कैसे बढ़ाएंगे। इसके बाद आता है पेट और सीने का। तो इसमें बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जान के ही बढ़ाने के लिए मैं एक जो बताया था, उसके अलावा आप स्टूल रखकर भी जंप करके अपना थाई का पावर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक इवेंट में और बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास तो स्टूल नहीं है लेकिन एक कुर्सी है, एक मिनट के लिए मैं वो कुर्सी लाकर और देखिए। ये थाई पावर के लिए एक और तरीका है, आप इसको बारी बारी से जितनी बार कर सकते हैं। अब इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ाइए, 5, 10, 15, 20 करते हुए आप जितनी ऊपर जा सकते हैं, 100, 200, जिससे कि आपका थाई पावर बढ़े। उसी प्रकार हाथ का बढ़ाना हो तो हाथ के लिए भी आपको रस्सी पर लटकने का या यहाँ तो व्यवस्था है नहीं, फिर से हैंगिंग होने का। ये पावर आपको घर पर अगर व्यवस्था है तो कर लीजिए, क्योंकि इस समय जो है घर पर रहे सेफ रहे का कार्यक्रम चल रहा है, इसीलिए ऑनलाइन क्लास हो रहा है, जिसमें कि आपको मुख्य रूप से ऐसी चीजें बताई जाती है जो कि आप घर पर रहकर सुरक्षित रहकर आप कर सके। तो ये हो गया थाई और आर्म्स का। अब आइए आपको बताते हैं पेट और सीने का किस प्रकार आप व्यायाम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कई तरह के सीटअप होते हैं, सीटअप आप अनेक तरह के मार सकते हैं। पहला बता देता हूं, एक तो होता है सोकर, जिसमें कि माथे पर दोनों हाथ रखेंगे, रखने के बाद ये नोज को यहां लाएंगे और इस प्रकार अपने कर सकते हैं। पहला, दूसरा हो गया इसी को, ये दो तरीका। तीसरा, किसी के सहारे से ले सकते हैं जो कि थोड़ा टफ है। मैं एक दोस्त के सहारे से, मान लीजिए घर में कोई आपका भाई हो या कोई और व्यक्ति हो, तो इस तरह उनको पैर पर खड़ा करवा लेना है, ये दोनों सटा लेना है, तब ये आपका पेट का ताकत बढ़ेगा। इसके अलावा एक और बताता हूं, जिससे कि सीना और पेट दोनों का बढ़ेगा, ये लगा लीजिए पूरी तरह दोनों साइड और ऊपर टांग वो ऊपर और थप धीरे धीरे। ये पूरा हाथ को ऊपर मुड़ी को खींचे रहेंगे, अतः हेड को उठाते रहेंगे तो आपका सीने का ताकत ज्यादा बढ़ेगा। एक और बताता हूं नेहा, जिसमें आप खुद अकेले घर पर कर सकते हैं, दोनों पैर उठा लीजिए हाथ पर और तब ये दोनों साथ में। अकेला भी आप घर पर कर सकते हैं, ये घर पर रहकर
रहकर करने का तरीका आपको आज बताया गया है, इसे ध्यान से करेंगे तो वह जितने अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट हो गया। धन्यवाद।